तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। और जो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, ये आपका कंटिन्यूएशन होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। अगर अपन पूरा ब्लड सप्लाई अगर अपन देखें आपका अपर लिम का, सबसे पहले क्या रहता है, जो असेंडिंग ओटा होती है उसे तीन पास निकल जाती हैं, एक लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरेटर आर्टरी और एक राइट ब्रिकोसेफेलिक आर्टरी। तो मेनली अपन राइट लिम, तो अपन मेनली अपन राइट अपर लिम का देख रहे हैं, तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी। अब जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है वही आके जाके क्या बन रही है आपकी, ये है पूरी की पूरी एक्सिलरी आर्टरी। फिर वही एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके बन रही है आपकी ब्रेकल आर्टरी, और ब्रेकल आर्टरी जो है क्यूबिटल फोसा में इन फ्रंट ऑफ एल्बो में जो है क्यूबिटल फोसा रहता है, उस क्यूबिटल फोसा में जो है ये ब्रेकल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है अल्लर आर्टरी और दूसरी होती है रीडल आर्टरी में। अब अल्लर और रीडल आर्टरी जो है ये तुम्हारा डीप एंड सुपरफिशियल प्लामर आर्क बना लेती है। तो पूरा का पूरा जो है अपन ने अपर लिम का आर्टरी सप्लाई देख लिया, तो उसमें अभी अपन बात करने आ रहे हैं इतने के सेगमेंट की, जो कि है एक्सिलरी आर्टरी। तो ये एक्सिलरी आर्टरी है, तो एक्सिलरी आर्टरी सबसे पहले किसका कंटिन्यूएशन था अभी अपन ने देखा, सब क्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। उसके अलावा एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, तो एक्सिलरी आर्टरी जो है आउटर बॉर्डर, ये आपको फर्स्ट रिप दिख रही है फर्स्ट रिप, तो फर्स्ट रिप के आउटर बॉर्डर से लेकर आपकी जो टेरिस मेजर मसल है वहाँ तक जो है एक्सिलरी आर्टरी जो है एक्सटेंड होती है। मतलब इट इज एक्सटेंड फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिप टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है वो जो है एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब वो पार्ट जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल के ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, जो कि उसके पीछे होगा वो होगा सेकंड पार्ट, और जो उसके नीचे होगा वो होगा थर्ड पार्ट। तो बेसिकली अपन को एक्सिलरी आर्टरी में इन सारे पार्ट्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के रिलेशन देखने हैं, एंड इन सारे से और इन सारे पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं उसके बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले हम ब्रांच देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का, वो आपकी एक ब्रांच दे देता है जो कि होता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब ये वाला पार्ट है, ठीक है, थोरेक्स। अब थोरेक्स के ऊपर है तो कौन सी आर्टरी होगी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर आता है सेकेंड पार्ट जो कि आपके पेक्टोरालिस माइनर मसल के पीछे है, वो दो ब्रांच दे देता है, एक थोरेको एक्रोमेन आर्टरी और दूसरा लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद थर्ड पार्ट जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे है, ये तीन ब्रांच दे देता है, एंटेरियर पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक सब स्कैपुलर आर्टरी। अब इन सारी आर्टरी को अपन जो है डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले अपन इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन के लिए अपन विश्राम सिंह का डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, इससे हम पूरा रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है विश्राम सिंह में सिर्फ मसल के साथ और ब्रेकल प्लेक्सिस और एक्सिलरी वेन के साथ इसका जो है ये रिलेशन बताया हुआ है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अब ये जो है फर्स्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, तो ये इसका एंटेरियर वाला पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर है, ये मीडियल है और ये लेटरल साइड है। तो अपन ये देख ले, ये एंटेरियर साइड, पोस्टीरियर, ये मीडियल और ये लेटरल साइड है। अब इसके मीडियल रिलेशन क्या रहते हैं, सबसे बाहर जो है वो क्या है, स्किन। स्किन के बाद क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद है डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद है पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट का, तो जो एक्सिलरी, ये क्या एक्सिलरी आर्टरी है। अब जो एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है वो एंटेरियरली किससे रिलेशन में होता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल के। अभी बेसिकली ये 2D में समझ लो, देन 3D में मैं 3D मॉडल से दिखा दूंगा, तब से 3D में भी इमेजिन हो जाएगा। अभी एंटेरियर में एक फर्स्ट पार्ट किससे रिलेशन कर रहा है, पेक्टोरालिस मेजर मसल के। एंड फिर अपन देखें पोस्टीरियर वाला पार्ट, तो पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है ये सेरेटस इंटीरियर मसल होती है, ये जो है ये इसके पोस्टीरियर वाली ये रिलेशन बना रहा है। देन इसके देखें मीडियल में, तो मीडियल में ये एक्सिलरी वेन से है, लेटरल वाले साइड में जो ब्रेकल प्लेक्सिस है, ये ब्रेकल प्लेक्सिस जो है लेटरल वाले साइड में इसकी रिलेशन में आ रहा है। अब ब्रेकल प्लेक्सिस की अपन ने देखी थी कुछ कॉर्ड होती हैं, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, तो ये बना रही है। अब इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो है क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के मिडिल साइड में क्या है, एक्सिलरी वेन दिख रही है मिडिल साइड में एक्सिलरी वेन, और लेटरल साइड में ये लेटरल साइड है, इसमें क्या है पूरा ब्रेकल प्लेक्सिस और उसकी कॉर्ड है। तो मेनली इस तरीके से रिलेशन बना रही है। तो उसका लेटरल कौन बना रहा है, लेटरल साइड कौन बना रहा है, ब्रेकल प्लेक्सिस की लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस, और इसका मिडिल कौन बना रहा है, एक्सिलरी वेन। देन अपन बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल के बिहाइंड में होती है। तो सेकंड पार्ट है वो ये है बी, सेम इसमें भी यही है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर
मीडियल और लेटरल। अब इसके इंटीरियर में क्या होगा, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगी और पेक्टोरालिस मेजर मसल होगी और यहाँ पर जो है पेक्टोरालिस माइनर मसल भी आ रही है। अब अगर हम डायग्राम में भी देखें तो पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है वो सिर्फ सेकंड पार्ट के ही रिलेशन में आता है ना। फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन, इसके पोस्टीरियर किससे बना रहा है, सब स्कैपुलारिस मसल से बना रहा है। यहाँ पर सेरेटस इंटीरियर मसल थी, यहाँ पर सब स्कैपुलारिस मसल है। एक्सिलरी आर्टरी इस डायग्राम से हम देखें तो ये सेकंड पार्ट है, ये तो सेकंड पार्ट के भी मिडल साइड में कौन होगी, एक्सिलरी वेन ही होगी पूरे में मिडल साइड में। लेकिन जो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो आगे जाके, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसकी अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक जो है वो आगे जाके कॉर्ड बनाती हैं, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मिडल कॉर्ड। अब ये सारी की सारी जो है एक्सिलरी वेन के रिलेशन में आती हैं, मतलब कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस की वो कॉर्ड जो कि एक्सिलरी आर्टरी के लेटर साइड में होगी उसको क्या बोलते हैं, लेटरल कॉर्ड। जो मिडल में होती है उसको बोलेंगे मिडल कॉर्ड और जो पोस्टीरियर में होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। वो सेकंड पार्ट में दिखती है आपको, ये अपनी एक्सिलरी वेन का, ये अपने सेकंड पार्ट है एक्सिलरी वेन का। इसके पीछे क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, देन इसके लेटर वाले साइड में क्या है, लेटर साइड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, देन मिडल साइड में क्या है, मिडल साइड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो उसको इसमें भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का रिलेशन इंटरनली कैसे बन रहा है, स्किन से, सुपरफिशियल फेशिया से, पेक्टोरालिस मेजर मसल माइनर मसल से, पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहा है सब स्कैपुलारिस मसल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, देन इसके लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है, एक कोरिको ब्रेकियलिस मसल और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो दिख रहा है आपको लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस बना लेता है। देन इसके हम देखें मिडल रिलेशन, जो मिडल साइड में, मिडल रिलेशन में वही आपकी मिडल कॉर्ड होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस का और क्या होगा, एक्सिलरी वेन होगा। थर्ड पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का, उसके इंटर रिलेशन कौन बनाएगा, वही स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी मसल नहीं रहती है, सिर्फ वो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया से इसकी इंटर रिलेशन बनते हैं। लेकिन अपन पोस्टीरियर वाले पार्ट की अपन बात करें, पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है वो आपका बन जाता है सबस्कैपुलारिस मसल और एक और मसल आ जाती है वहाँ पे टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर मसल। उसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सिस की दो ब्रांचेज आ जाती हैं, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। अभी यहाँ पर अपने सेकंड पार्ट में देखी थी पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड कौन कौन से ब्रांच देती है, एक रेडियल देती है, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। तो वो जो ब्रांच देगी तो वो कहाँ देखेंगी, वो थर्ड पार्ट में देखेंगी। तो थर्ड पार्ट में दिख रही है एक्सिलरी नर्व और ये हो गई इसकी रेडियल नर्व, है ना। लेटरल वाले साइड, तो लेटरल वाले साइड में वही यहाँ पे आ गई लेटरल कुटेनियस नर्व, लेटरल कुटेनियस नर्व। अब जो लेटरल कुटेनियस नर्व है सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड क्या देता है, लेटरल कुटेनियस नर्व, मस्कुलर कुटेनियस नर्व, तो ये मस्कुलो कुटेनियस नर्व यहाँ पे। तो इसके मिडल वाली साइड, तो मिडल वाली साइड कौन बना रहा है इसका, एक्सिलरी वेन, जो कि देख रही है अपन एक्सिलरी वेन, ये मिडल साइड में है तो एक्सिलरी वेन से बन रहा है। और मस्कुलो कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, जो ब्रेकियल प्लेक्सस से अपन की ब्रांच हो जाती है ना, मस्कुलो कुटेनियस नर्व आर्म एंड फोर आर्म, ये रही मस्कुलो कुटेनियस नर्व आर्म एंड फोर आर्म, ये मिडल साइड में है। और एक और नर्व रहती है अल्नर नर्व, इसे भी अल्नर नर्व इसकी मिडल साइड में। तो सारे जो अपन ने रिलेशन देखे एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के, थर्ड पार्ट के, उसको अपन 3D ऐप में भी और देख लेते हैं ताकि सारे इमेजिन हो जाए। तो सबसे पहले बात अपन करेंगे फर्स्ट पार्ट के, जो मेनली अपन जो रिलेशन देखेंगे 3D मॉडल में उसमें सिर्फ अपन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन ही देखेंगे, क्योंकि लेटरल और मीडियल जो है वो वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही बनते हैं। तो सबसे पहले ये आपका थोरेक्स है, तो ये है आपकी पेक्टोरालिस मेजर मसल, उसको अपन कर देते हैं हाइड। जैसे अपन पेक्टोरालिस मेजर मसल दिखाते हैं तो आपको ये दिख जाती है सबसे पहला पार्ट, ये क्या है, यह एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। अब एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में अभी इंटीरियर में क्या था, इंटीरियर में था आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल, तो उसके इंटीरियर कौन बॉर्डर बना रही है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर इसके पोस्टीरियर में अपन देख रही सेरेटस इंटीरियर मसल, तो इसके पोस्टीरियर में अगर आप ये देख रहे होंगे ये है, ये जो मसल है सेपरेट ही कर ली मैंने, ये है सेरेटस इंटीरियर मसल। अब एक्सिलरी आर्टरी जो है कुछ यहाँ पे रहती है, अब यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में क्या है, सेरेटस इंटीरियर मसल है और एक्सिलरी आर्टरी इधर रहती है, तो पोस्टीरियर रिलेशन कैसे होगा एक्सिलरी आर्टरी का, सेरेटस इंटीरियर मसल से होगा। तो फर्स्ट पार्ट के अपन रिलेशन देख लिए, देन सेकेंड वाले पार्ट के देखते हैं, तो ये है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट ये रहा एक्सिलरी आर्टरी का, जो कि आपका पेक्टोरालिस माइनर मसल के पीछे है, वो है सेकेंड पार्ट, वो है इसका सेकंड पार्ट, है ना। और इसके भी ऊपर क्या था, पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो अपने भी हाइट करी है, जो कि ये है,
पेक्टोरल इज मेजर मसल, इसको हाइड करेंगे तो क्या होगा, पेक्टोरल इज माइनर मसल। तो ये सेकंड पार्ट के इंटर रिलेशन कौन बना रहा है, पेक्टोरल इज मेजर एंड माइनर मसल। देन इसका पोस्टीरियर रिलेशन कौन बनवा रहा है, सब स्कैपुलरिस मसल इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है। अब ये अगर मैं मसल देखूँ, ये क्या है, सब स्कैपुलरिस है, उसको मैं सेपरेट करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी सब स्कैपुलरिस है मसल है। तो सेकंड पार्ट ये इस तरीके से आता है, तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है, सब स्कैपुलरिस मसल। तो फिर अपन बात करेंगे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट के इंटर में कोई भी आपको देख रहा हो थर्ड पार्ट है, पेक्टोरल मसल नहीं रहेगी, मेजर और माइनर ये थर्ड पार्ट है, तो कोई भी इसमें मसल नहीं रहेगी, सिर्फ स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया रहेगा। देन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रहा था, सबस्कैपुलर मसल जो कि ये है, और एक और यहाँ पर अपन मसल देखी थी सेरेटस, अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर, जो सेरेटस इंटीरियर है ये अगर एक्सिलरी आर्टरी अगर ऐसे अपन रखेंगे इस पर, ये मान लो एक्सिलरी आर्टरी है, तो इसका जो थर्ड पार्ट की पोस्टीरियर बॉर्डर में अपर पार्ट आ रहा है ना सेरेटस इंटीरियर मसल का, तो इसमें आ जाएगा अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल। तो सारे अपन ने 3D में भी एक बार सारे देख लिए इसके रिलेशन। अब अपन को देखना है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। तो एक्सिलरी आर्टरी का जो है फर्स्ट पार्ट, एक ही ब्रांच दे रहा था अपन ने बोला था सुपीरियर थोरसिक आर्टरी, अब जो सुपीरियर थोरसिक आर्टरी है वो ब्रांच किसकी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियल। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियल साइड में जा रहा है, तो मीडियल इसका डायरेक्शन है। देन किसको सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा पेक्टोरालिस मेजर मसल को, जो अपने देखी थी चेस्ट की मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है दो आर्टरी देता है, एक थोरिक एक्रोमेन आर्टरी और लेटरल थोरसिक आर्टरी। अब जो थोरिको एक्रोमेल आर्टरी है, ये ब्रांच किसकी है, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, देन कहाँ से इमर्ज हो रही है, तो ये जो है अपर बॉर्डर, ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है, उसके जस्ट अपर बॉर्डर से जो है थोरिको एक्रोमेल आर्टरी इमर्ज होती है, मतलब वहाँ से निकल जाती है थोरसिक एक्रोमेल आर्टरी, तो जस्ट अपर पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से इमर्ज होती है। देन वो चार ब्रांच में टर्मिनेट हो जाती है, एक पेक्टोरल ब्रांच, एक डेल्टोइड ब्रांच, एक एक्रोमेल ब्रांच और एक क्लेविकुलर ब्रांच। देन फिर अपन आते हैं लेटरल थोरेक्स आर्टरी पे। अब जो लेटरल थोरेक्स आर्टरी है ये भी ब्रांच है सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, एंड ये कहाँ से इमर्ज होती है, ये लोअर पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से, ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है, उसका जो लोअर पार्ट जो है ये वाला, यहाँ से जो है आपकी थोरेक्सिक आर्टरी, लेटरल थोरेक्सिक आर्टरी अराइज होती है। और जो फीमेल में जो है कि लेटरल थोरेक्सिक आर्टरी लार्ज होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है लेटरल मेमोरी ब्रांच दे देती है जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई करता है, मतलब कि जो लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी है वो फीमेल में जो है एक ब्रांच दे देती है, जिसको अपन बोलते हैं लेटरल मेमोरी ब्रांच, जो कि किसको सप्लाई करती है, ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद अपन आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट तीन ब्रांच दे रहा था मैंने बताया था, इंटेरियर और पोस्टेरियर, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, देन एक सब स्कैपुलरिस आर्टरी। अब जो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये ब्रांच किसकी है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, यानी कहाँ से अराइज हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल है, उधर से अराइज हो रहा है। देन ये किसको सप्लाई करता है, तो ये जो है इंटीरियर ह्यूमरल आर्टरी है, सबसे पहले ये अनास्टोमोसिस होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, है ना, उसके बाद ये जो है हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करता है, और जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, शोल्डर जॉइंट को भी यही आर्टरी जो है आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है बड़ी बहन है किसकी, एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, एज कंपेयर में देखें तो पोस्टीरियर जो है बड़ी होती है, जाहिर सी बात है थर्ड पार्ट है, तो ये ब्रांच किसकी है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, कहाँ से एक्सटेंड होती है, वही सेम पार्ट लोअर बॉर्डर और सब स्कैपुलरिस से अराइज होती है, लेकिन पोस्टेरियर से, क्योंकि क्या है पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। और ये सप्लाई किसको करता है, ये सप्लाई जो है ये भी शोल्डर जॉइंट को करेगा, डेल्टॉइड को करेगा और क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस की मसल को करेगा, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी उसको सप्लाई करेगा। देन अपन आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि सब स्कैपुलरिस आर्टरी, ये तो थी सब स्कैपुलरिस आर्टरी। सबसे पहले ब्रांच किसके, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, और एक किसको सप्लाई कर रही है, ये मेनली लेटेसमस डॉर्साई मसल और सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। इसको मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये जो मसल है इसका नाम है लेटेसमस डॉर्साई मसल, जो कि एक आपकी बैक की मसल है, आपको शायद इमेजिन हो गया होगा।
एक्सिलरी आर्टरी को यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, डायरेक्ट आप उनको इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके अंदर ये इन हेडिंग्स पर आपको एक्सिलरी आर्टरी लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पूरा लिख देना कि एक्सिलरी आर्टरी है, कंटिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी का, तो एक्सटेंड कहाँ से होता है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल्स है, फिर ये पेक्टोरालिस माइनर मसल्स को तीन भाग में डिवाइड कर देती हैं, देन उसका रिलेशन लिख देना, फर्स्ट पार्ट के इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल रिलेशन, देन सेकेंड पार्ट के रिलेशन सारे लिख देना, देन ये थर्ड पार्ट के रिलेशन लिख देना, उसके बाद इसकी ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस को भी कुछ इस तरीके से जो मैंने हेडिंग में आपको दिया है, इस हेडिंग में इसकी सारी ब्रांचेस लिख देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स। तो उसका डायग्राम कौन सा बनाना है, तो उसका ये वाला डायग्राम बनाना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जिसमें इसकी सारी ब्रांचेस दिख रही हैं। और अगर इसका रिलेशनशिप पूछा है क्वेश्चन में सारे पार्ट्स का, तो ये एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशनशिप का ये वाला डायग्राम बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बीज हॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे एनाटॉमी के वीडियोस में मैं डालने वाला हूँ अभी।